उड़ीसा रेल हादसा का पहली रिपोर्ट आ गई सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि उड़ीसा रेल हादसा का पहला रिपोर्ट है कि सिग्नल फेल होने की वजह से रेल हादसा हुआ दोस्तों, यानी सदी का सबसे बड़ा त्रासदी। आपको बता दें कि रेल हादसा सबसे बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। आपको बता दें कि उड़ीसा के बलासोर में हादसा हुआ, जहाँ पर विभत्स घटना देखने को मिली है दोस्तों, जहाँ पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई दोस्तों। आपको बता दें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से जाना था, लेकिन उस लूप लाइन में उसको ले जाया गया दोस्तों, जहां पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। आपको बता दें कि सिग्नल किसने दिया जिसके कारण लूप लाइन में ले जाना पड़ा, जबकि उसको अप लाइन से जाना था। जी हाँ दोस्तों, मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस को जाना था, लेकिन उसको लूप लाइन में ले जाया गया, जिसके कारण वहाँ पहले से खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई दोस्तों। इसके कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी के ऊपर जाके चढ़ गई दोस्तों। इतना बड़ा घटना हो गई जिसमें 17 मालगाड़ी के डब्बे पलट गए दोस्तों, जिसमें करीब करीब 288 लोगों की मौत होने की संभावना है दोस्तों, जबकि 900 से अधिक घायल है दोस्तों, जो कि जिंदगी या मौत से लड़ रहे हैं अस्पतालों में दोस्तों। आपको बता दें कि अस्पतालों के बाहर खून देने वालों की लाइन लग गई है दोस्तों। आपको बता दें बाला सोर पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं दोस्तों। जो कम घायल उसको 50,000 रुपये, जबकि जो ज़्यादा घायल उनको 2 लाख रुपये दिया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने भी ऐलान कर दिया 10 लाख रुपये दिया जाएगा मृतक परिवारों को दोस्तों। हम मृतक परिवारों के साथ हम लोग के शोक संवेदनाएं शामिल है दोस्तों। इतना बड़ा रेल हादसा पहली बार हुआ दोस्तों। आपको बता दें कि इससे बड़ा रेल हादसा बिहार में हुआ था, जिसको कोसी नदी में 9 रेलगाड़ी के डिब्बे समा गई थी दोस्तों, में 800 यात्री का डेथ हुआ था दोस्तों। आपको बता दें बालासोर का घटना जो हुआ है सबसे बड़ा रेल घटना हुआ दोस्तों। अभी प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर जाने वाले हैं दोस्तों, उसके बाद फिर अस्पताल में जाकर इसका जायजा लेंगे दोस्तों। एनडीआरएफ की टीम, आपको बता दें इंडियन आर्मी एयरफोर्स सभी लोग जाकर, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम सभी लोग घटनास्थल पर जाकर रेस्क्यू टीम कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद रेल पटरियों को साफ किया जा रहा है दोस्तों, ताकि जो कैंसिल ट्रेनें हुई हैं जिसका रूट डाइवर्ट किया गया, फिर से ट्रेन को चालू कर दिया जाएगा दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत बड़ी घटना दोस्तों, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है दोस्तों ये रेल हादसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मौतें अभी आ रही है दोस्तों, करीब करीब 288 मौतें हो चुकी है, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं दोस्तों। आपको बता दें कि अस्पतालों में भीड़ लग गई है दोस्तों, अस्पतालों में जगह नहीं बची है दोस्तों। इस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अश्विनी वैष्णव से डायरेक्ट पूछा है कि एंटी कोलिजन डिवाइस क्यों नहीं लगा हुआ था ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एंटी कोलिजन डिवाइस अगर ट्रेन में लगा होता है तो यह हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि अभी जो नई ट्रेनें चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, सभी में कवच लगा हुआ दोस्तों, एंटी कोलिजन डिवाइस लगा हुआ दोस्तों, इसमें हादसा होने की संभावना लगभग 0% के बराबर, जबकि बहुत सारे ट्रेनें में एंटी कोलिजन डिवाइस लगाना जिसके कारण दुर्घटना ना हो, फ्यूचर में कभी दुर्घटना ना हो, इसके लिए एंटी कोलिजन डिवाइस लगाना बहुत जरूरी है। जय हिंद।